चलो स्टार्ट करते हैं। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, आपके ग्रुप टू का पेपर नंबर 12, दैट इज योर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। सबसे पहले तो ये जो पेपर है आपका, दैट इज फॉर 100 मार्क्स, ठीक है। इसमें आपका जो कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन है, इसकी वेटेज है 50 मार्क्स और ऑडिट की वेटेज है 50 मार्क्स, ठीक है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार पेपर पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पेपर रहता है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये आपको सीएमए के कोर्स में, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको लाइफ मतलब आगे जाके बहुत कुछ काम करना है इसके रिलेटेड, इतना काम इसका नहीं होगा। क्योंकि आपका जो सीएमए में एरिया रहता है, दैट इज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा मेजर एरिया रहता है, कॉस्ट ऑडिट मेजर एरिया रहता है। यहाँ पर क्या है सारा, कंपनी अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ एंड कंपनी ऑडिट, ठीक है। उसका एरिया कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो मैं इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपके लिए, लेकिन फिर भी जो भी आपके सारे टॉपिक्स हैं वो 100% कवर होंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊँ किस तरीके का पेपर आता है। आपका जो पार्ट ए रहता है, साथ साथ आप लिखते भी रहना इसे, पार्ट ए रहता है दैट इज ऑफ कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट रहता है एमसीक्यूज, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, 5 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। 5 एमसीक्यू आपसे इंस्टीट्यूट पूछेगा, ठीक है, 1-1 mic each। उसके बाद आपका जो सेकेंड पार्ट रहता है, दैट इज ऑफ मैचिंग, जिसे बोलते हैं मैच द फॉलोइंग करके कुछ। तो मैच द फॉलोइंग में आपके 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मैच द फॉलोइंग होते हैं, वो उस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें कभी कभी इंटरनल चॉइस भी होती है। और जो सी पार्ट रहता है, दैट इज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आपका 4 मार्क्स का रहता है। तो देखा जाए तो कितने मार्क्स हो गए ये आपके, ये हो गए 13 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करके चलना है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहेगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। ए पार्ट जो रहेगा, दैट इज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का जो जो आपका टॉपिक रहेगा, यहां से इंस्टीट्यूट पूछता है, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जो इसका बी पार्ट है, दैट इज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको करके चलने हैं, ये भी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद देन क्वेश्चन नंबर थ्री में ए पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड बी पार्ट इसका रहेगा, दैट इज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, मतलब इनके ना फॉर्मेट बेस्ड अकाउंटिंग होता है, फॉर्मेट बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के कैसे बनेंगे, ये आपसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। और इसकी जो वेटेज रहती है वो रहती है 4 नंबर की। वो आपसे पूरे फाइनल अकाउंट्स नहीं पूछेगा, वो आपसे कुछ एडजस्टमेंट्स पूछेगा, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट हम फोकस करेंगे, 4-4 नंबर की आपके कई सारी एडजस्टमेंट्स हैं, वो एडजस्टमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा फाइनल अकाउंट्स का, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स पहले पढ़े हुए हैं ना, जिसमें हमारे ट्रेडिंग पीएनएल होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, ऐसे अब कंपनी के फाइनल अकाउंट्स किस तरीके होते हैं। जहां मैं कंपनी की बात करता हूं वहां पर लग जाता है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 होता है, जहां पर कंपनी के फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट दे रखा है। तो उस शेड्यूल 3 के बेसिस में हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो वो पूरा आपको फॉर्मेट बेस्ड काम करना है। ये आपका फुल फ्लैज 12 नंबर का क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका रहेगा, दैट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स। इसकी जो वेटेज रहेगी, इसकी वेटेज रहेगी आपकी 12 मार्क्स की। और इसमें आपको 3 शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करने हैं ऑफ 4 मार्क्स ईच। बेसिकली आपसे 4 पूछे जाते हैं, तो आउट ऑफ 4 आपको 3 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहां पर एक इंटरनल चॉइस दी जाती है, ठीक है। ये आपका कंपनी अकाउंट्स जो 50 मार्क्स की वेटेज रखता है, ये उसका पेपर पैटर्न है। अभी ऑडिट की बाद में करता हूँ, पहले मैं कंपनी अकाउंट्स की बात करता हूँ। ये आपका कंपनी अकाउंट्स की वेटेज है, ठीक है। अब
ये वाला जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर वन जो आपका, जिसमें एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू फॉल्स है, ये मोस्ट स्कोरिंग है और ये कंपलसरी भी है, आपको ये अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव, इन चार क्वेश्चंस में से आपको एनी थ्री, ये आपकी क्वेश्चन में चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री टू थ्री फोर फाइव, इन चार में से कोई भी आपको तीन क्वेश्चन करने होते हैं 12 नंबर के, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन करे कौन सा ना क्वेश्चन करे, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री की अगर मैं बात करूं, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी चैप्टर है, 8 नंबर स्कोरिंग है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि चार चार नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर बचता है आपका शेयर्स एंड वेंचर, इसको मैं थोड़ा सा लेंदी कहता हूँ क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स हैं, तो ये 6 नंबर का आपका एक टॉपिक है। और उसके बाद आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये स्कोरिंग है क्योंकि इसमें 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 7 में से आपका 6 नंबर को कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक होता है ये थोड़ा सा लेंदी है और इसमें मार्क्स कट भी जाते हैं, तो इस चैप्टर को हम सबसे एंड में करेंगे, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हमें मार्क्स स्कोर करने हैं यहां पर। अगर आप चाहो इस पेपर में 80 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो बड़ी इजीली, प्रोवाइडेड कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आपने एक तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी कर रखी है, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं। तो ये वाला जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स वाला, ये हम सबसे एंड में करेंगे क्योंकि हम हमारा फोकस रहेगा कि जो बाकी चीजें हैं ना वो सारी पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स में कंसेप्ट आते हैं, कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से या किसी कोई कंसेप्ट से कोई ना कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ कंसेप्ट लिखवाता भी चला जाऊंगा और आपको डिस्कस भी करता चला जाऊंगा। इसमें अगेन बेनिफिट क्या है, इंटरनल चॉइस है, 4 में से आपको 3 करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है, दैट इज ऑफ पार्ट ए। अब आते हैं ऑडिट पर, पार्ट बी, पार्ट बी इज योर ऑडिट, इसकी भी वेटेज कितनी है, 50 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है जी। ऑडिट में अगेन आपके पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 6, वही 3 चीजें, एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू फॉल्स, वही आपकी सेम वेटेज, 6 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका स्कोरिंग चीज है, एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग टू फॉल्स, ये तो बहुत बेसिक चीज है, अगर आपको कंसेप्चुअली सारी चीजें पता हैं तो ये तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th एंड 10th, अगेन इन चार में से आपको एनी थ्री, कोई भी 3 क्वेश्चन करके चलना है, वो ये सारा थ्योरी पेपर है, मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि थ्योरी कोई रटने वाली थ्योरी है, ये बहुत कंसेप्चुअल थ्योरी है ऑडिट की, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्चुअली इसको समझ के चलना है कि ऑडिट क्या है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरीके से ऑडिट करा जाएगा, क्योंकि कल को आप जब कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे तो आपको फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कॉस्ट ऑडिट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट की क्या अप्रोच रहती है, ऑडिट का क्या मतलब है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि ऑडिट होता क्या है तो हम ऑडिट कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं सीए कोर्स की बात करूं तो सीए कोर्स में ये बहुत डिटेल में होता है क्योंकि वहां पर ऑडिट का ज्यादा काम रहता है, मेन ऑडिट का ही रहता है वहां पर, ठीक है। तो इसमें आपको एनी थ्री क्वेश्चन करके चलना है। अगेन इसमें भी यही चीज आ जाती है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये शॉर्ट नोट्स वाला रहेगा, ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स हमें करके चलने हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कंपनी अकाउंट्स का आपका सिलेबस क्या है। आज हम कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको ऑडिट की स्टार्ट करूंगा, तो हमारी क्लासेस भी इस तरीके से रहेंगी, वीक में 3 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस ऑफ कंपनी अकाउंट्स और 1 क्लास ऑडिट की रहेगी, क्योंकि ऑडिट का सिलेबस कम है, कंपनी अकाउंट्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो कंपनी अकाउंट्स की 2 क्लासेस और 1 क्लास आपकी ऑडिट की, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट्स में अगर मैं आपके सब्जेक्ट की सिलेबस की बात करूं तो देखो CMA में क्या होता है कि कोर्स कंटेंट ज़्यादा है और जो वेटेज होती है वो होती है कम, ठीक है। तो अब आप, मैं आपको जो कोर्स लिखवाने जा रहा हूँ वो बहुत डिटेल्ड कोर्स है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना कुछ सब कुछ है, हम छोड़ ही नहीं सकते कुछ भी चीज़, ठीक है, लेकिन वो आपको स्ट्रेटजी जरूर बता दूंगा किस तरीके से हमें क्या क्या करना चाहिए, पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है, ठीक है। तो लिखो जो आपके टॉपिक्स हैं, ये सब कुछ आपका स्टडी मटेरियल से उठाया गया है, दैट इज योर अकाउंटिंग फॉर, पहला जो चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल,
इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है इशू ऑफ शेयर्स, इशू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ये सब्जेक्ट हमने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, आपने अपना फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा होगा अकाउंटिंग फॉर शेयर्स वगैरह 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इशू ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ये सब चीजें इसमें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। सेकेंड जो टॉपिक इसमें बनता है दैट इज ऑफ, ये नए टॉपिक्स हैं अब आपके, बोनस इशू एंड राइट इशू। कभी टर्म सुनी है बोनस इशू, क्या होता है बोनस इशू का मतलब? देखो क्लास को इंटरेक्टिव रखना है, ठीक है, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको उसका आंसर जरूर देना है, ठीक है, कुछ भी दो चाहे सही दो चाहे गलत दो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर जरूर देना है, इससे क्या होता है कि सोचने की जो पावर होती है ना वो बढ़ती है, ठीक है। तो बोनस का मतलब क्या होता है, जैसे हम देखते हैं मार्केट में आते हैं तो कहीं लिखा होता है ना बोनस, किसी भी चीज पे बोनस चल रहा है, बोनस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। क्या हम उस चीज के लिए पैसे देते हैं एक्स्ट्रा चीज के लिए? आंसर इज नो। तो बोनस का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कंपनी बोनस इशू में क्या करती है, शेयर्स इशू करती है लेकिन बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं लेती, वो क्या होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। राइट इशू का मतलब होता है सस्ते, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू करती है एट कंसेशनल प्राइस, लोअर देन मार्केट प्राइस। मतलब फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी का शेयर मार्केट में लेटर से 500 रुपीज का चल रहा है, तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को वो शेयर 200 रुपए का इशू कर दिया, या कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो शेयर 200 रुपए का इशू कर दिया, ठीक है, सो दैट वो हमारे पास रुके रहे, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हैं आपके। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है दैट इज योर टॉपिक नंबर 3, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब भी यही होता है कि सस्ते शेयर इशू करना, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर में स्पेसिफिकली कंडीशन क्या होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को और डायरेक्टर्स को इशू करे जाते हैं, ठीक है। बाकी राइट इशू क्या होता है, वो किसी को भी इशू कर सकते हैं एट अ कंसेशनल प्राइस, पब्लिक को भी इशू कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी इशू कर सकते हैं, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि इशू होंगे सिर्फ एम्प्लॉयज को या फिर अपने डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज योर बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक का मतलब क्या हुआ, दैट इज फोर फीचर। जो आप कह रहे हो कि किसी ने पेमेंट नहीं करी तो कंपनी उसका शेयर रख लेगी, दैट इज फोर फीचर। बायबैक का मतलब क्या होता है कि अपने शेयर खुद ही बाजार से खरीद लेना, जैसे कंपनी ने शेयर इशू करा तो वो स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर लिस्ट हो जाएगा शेयर। स्टॉक एक्सचेंज समझते हो क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज? हाँ, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है एक तरीके से मार्केट, जैसे हम कोई भी गुड्स खरीदने जाते हैं उसकी मार्केट होती है, जैसे गारमेंट्स की मार्केट है, फुटवेयर की मार्केट है, हर चीज की एक मार्केट अवेलेबल है, ऐसे शेयर्स की सिक्योरिटीज की भी एक मार्केट है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो क्या बोला जाता है उसे, स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? बस दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। तो हर कंपनी जब भी अपना शेयर इशू करती है टू द पब्लिक, तो वो अगर चाहती है कि पब्लिक मेरे शेयर को खरीद ले फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तो उसको अपना शेयर पहले स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना पड़ता है, और वो दो ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, एनएससी और बीएससी पर, ठीक है। तो कंपनी जब अपने शेयर बाजार में खुद ही खरीद लेती है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी समझते हो? हाँ, कैश, कंपनी को कैश की जरूरत है, तो उसने क्या करा अपने शेयर खुद ही खरीदने शुरू कर दिए लिक्विडिटी पोजिशन बढ़ाने के लिए या शेयर का प्राइस बढ़ाने के लिए, तो कंपनी क्या करती है बायबैक करती है। देखो क्या होगा कि जब कंपनी खुद ही शेयर खरीदने लग जाएगी तो मार्केट में शेयर अवेलेबल ही नहीं होगा, शेयर अवेलेबल नहीं होता ऑटोमेटिकली क्या होगा, महंगा होना शुरू हो जाएगा। मुझे बताओ कोई भी चीज़ अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं होती तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। अब जैसे कोरोना वायरस के चक्कर में हैंड सैनिटाइजर, उसके प्राइसेस बढ़ गए, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड है। ऐसे कंपनी अगर शेयर अपने खुद ही खरीदना शुरू कर देगी तो मार्केट में शेयर बचेगा ही नहीं, शेयर नहीं बचेगा तो प्राइस अप हो जाएगा, ठीक है। तो बायबैक जो है, अब ऐसा तो कंपनी इस चीज को तो कंपनी एज अ फ्रॉड भी इशू कर सकती है, मतलब यूज कर सकती है इस मेजर को, बताओ कैसे? बिल्कुल, कि अपने प्राइसेस जानबूझ के बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करे, सारे शेयर्स बायबैक कर ले। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी खोल के बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा शेयर का प्राइस 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक पहुंच जाए, मैं क्या करूंगा, मैं सारे शेयर्स खरीद लूंगा बाजार से, ठीक है। लेकिन कंपनी लॉ ने इसके ऊपर लिमिट लगा रखी है, वो कहता है कि इतना आसान नहीं है बायबैक करना, कुछ लिमिट तक ही आप बायबैक कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ठीक है।
नहीं तो इससे क्या होता था, फ्रॉड वगैरह ज्यादा हो जाते थे। फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक है दैट इज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब टर्म आती है प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, बताना जरा प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। खाली डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं। देखो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब जैसे कि टर्म बता रही है प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दो चीजों में। पहली चीज तो डिविडेंड, कि उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा और फिक्स रेट में मिलेगा, और दूसरी चीज उनकी जो रीपेमेंट होगी वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होगी। रीपेमेंट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं उस कंपनी का क्या कहलाऊंगा, शेयर होल्डर कहलाऊंगा। या तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर बन जाऊंगा या मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाऊंगा। अगर मैंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर, अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर में किया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन जब वो कंपनी बंद होगी तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को पेमेंट करी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर्स। इनकी रिडेम्पशन कैसे होती है, उसके लिए कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, तो वो रूल्स हमें यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह किस तरीके से होंगी वो चीज हमें देख के चलनी है। चैप्टर नंबर 6 इज योर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर डिबेंचर्स। देखो डिबेंचर भी एक तरीके से कंपनी की सिक्योरिटी होती है, सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। जैसे शेयर्स के थ्रू कंपनी पैसा इशू कर ले, पैसा मंगवा लेती है अपने पास, वैसे डिबेंचर के थ्रू भी पैसा मंगवा लेती है। लेकिन डिबेंचर का जो नेचर होता है वो एक तरीके से लोन की तरह होता है, कि कंपनी ने किसी से लोन ले रखा है। कैसे लोन की तरह, क्योंकि उसके ऊपर कंपनी को फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसकी भी क्या होगी, रिडेम्पशन होगी एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसका जो नेचर रहता है वो एज अ लोन की तरह रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है दैट इज चैप्टर नंबर 7 इज योर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अंडरराइटिंग टर्म सुनिए कभी, अंडरराइटिंग देखो क्या होता है, अंडरराइटर्स टर्म सुनिए, अंडरराइटर्स। देखो अंडरराइटर्स कौन होते हैं, अंडरराइटर्स एक तरीके से एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स जो कि कंपनी के शेयर को बिकवाते हैं। मान लो मैं एक कंपनी खोल के बैठ गया, मेरी कंपनी को कोई जानता नहीं है, क्या कोई मेरी कंपनी का शेयर खरीदेगा, आंसर इज नो। बट मैं चाहता हूं कि भाई पैसा चाहिए मुझे, मुझे पैसा रेस करवाना है, तो मैं बीच में एक एजेंट को हायर करूंगा और उस एजेंट को बोलूंगा कि भैया मेरे शेयर्स को मार्केट में बिकवाओ, मेरे शेयर को इशू करवाओ, ठीक है। अब मुझे बताओ वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, वो क्या लेगा हमसे, चार्जेस लेगा, दैट इज योर अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। लेकिन वो गारंटी लेता है, चार्जेस भी लेगा, तो उसको हम गारंटी, मतलब वो गारंटी भी लेगा कि मैं आपका शेयर क्या करूंगा, मार्केट में सेल आउट करवा दूंगा, ठीक है। तो दिस इज योर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये जो 7 मैंने आपके टॉपिक्स लिखे, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं ऑफ द टॉपिक अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर। जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था ना, ऊपर देखोगे आप, ये वाला जो क्वेश्चन था शेयर्स एंड डिबेंचर 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस 6 नंबर के लिए ये आपको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कहते हैं कि लेंदी होता है, ठीक है, लेकिन है बहुत आसान, ये है बहुत आसान, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड शेयर कैपिटल वगैरह, ये आपने 12th क्लास में पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। उसके बाद, इसके बाद ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, एरिया है, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ आप चैप्टर नंबर 8 पर। 8 है आपका फाइनल अकाउंट्स, कि कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाएगी, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3, ठीक है। शेड्यूल 3 टर्म सुनिए, देखो जब भी मैं बात करूंगा कंपनी अकाउंट्स की तो मेरे दिमाग में एक एक्ट चलने लग जाएगा, दैट इज कौन सा एक्ट, कंपनीज, बोलो कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013।
कंपनीज को गवर्न करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बना रखा है. कौन सा लॉ बना रखा है? कंपनीज एक्ट 2013. देखो, कंपनी को गवर्न करना है तो कंपनी की अकाउंटिंग के ऊपर भी ये लॉ लगना चाहिए. मतलब कंपनी कुछ भी करे, ये लॉ लगेगा, ये कानून लगेगा. तो कंपनीज एक्ट 2013 को ध्यान रखते हुए हमें सारे कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ना है. कंपनी अकाउंट, कंपनीज एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं और कुछ शेड्यूल्स भी दे रखे हैं. ठीक है, उसमें से एक शेड्यूल है शेड्यूल थ्री. शेड्यूल थ्री में क्या गिवन है? शेड्यूल थ्री में गिवन है फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कि कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से तैयार करेगी. फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीजें क्या आएंगी हमारी फाइनल अकाउंट्स के अंदर आ जाएगी. तो शेड्यूल थ्री हमें स्ट्रिक्टली यहां पर पढ़ के चलना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री, AS 3 लगता है इसके ऊपर, कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो ये हमें अलग से टॉपिक पढ़ना है. उसके बाद आपका टॉपिक आएगा बैंकिंग कंपनीज. इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज. ठीक है, तो इनके फाइनल अकाउंट्स भी हमें पढ़ के चलने हैं. देखो, जब मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो बैंकिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, इनके फाइनल अकाउंट्स हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? हमने तो ऊपर फाइनल अकाउंट्स यहां पढ़ लिए. बिल्कुल पॉइंट ठीक है आपका, कि सर इनके फॉर्मेट्स में कुछ ना कुछ चेंज रहेगा. फॉर्मेट में चेंज होने का मतलब क्या है? कि सर इनका कुछ ना कुछ अलग लॉ होगा. क्योंकि फॉर्मेट कहां से है? फॉर्मेट लॉ से ही तो आया. कौन से लॉ से आया? कंपनी एक्ट 2013 से. अब बैंकिंग पे ये फॉर्मेट नहीं लग रहा, इंश्योरेंस पे नहीं लग रहा, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लग रहा, तो इनका लॉ भी अलग होगा. तो इनका डेफिनेटली लॉ अलग है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, ये सब अलग एक्ट बने हुए हैं. उनके एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने फाइनल अकाउंट्स इस तरीके से बनाएंगी. अगर उनके लॉ में फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट नहीं गिवन होता तो इनके अकाउंट्स भी शेड्यूल थ्री के हिसाब से बनते, क्योंकि कंपनी तो बैंकिंग भी है. अगर मैं HDFC बात करूं, HDFC बैंक की बात करूं, तो HDFC बैंक खुद भी एक कंपनी है. ठीक है, लेकिन HDFC के जो फाइनल अकाउंट्स है वो शेड्यूल थ्री के हिसाब से नहीं बनते, वो उसके स्पेसिफिक एक्ट के हिसाब से बनते हैं. दैट इज गिवन बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये तीन हमें अलग से पढ़ के चलने हैं. इनके भी हमें यहां पर फाइनल अकाउंट्स, इससे ज्यादा हमें ध्यान देना है फाइनल अकाउंट से, ज्यादा ध्यान देना है हमें एडजस्टमेंट्स. अगर मैं आपके पेपर की बात करूं तो आपके पेपर में फाइनल अकाउंट से ज्यादा एडजस्टमेंट्स पूछी जाती हैं, क्योंकि चार नंबर का क्वेश्चन आना है, तीनों में से किसी में से भी आ सकता है, तो वो एडजस्टमेंट स्पेसिफिक होगा. चार नंबर में फाइनल अकाउंट तो पूछेगा नहीं, वो ज्यादातर एडजस्टमेंट से ही क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, और लास्ट इज योर एरिया ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. टोटल आपको दो तीन सेवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के चलने हैं. कौन कौन से AS पढ़ने हैं आपको? AS 11, 12, 15, 16, 17, 18 एंड 19. ये AS आपको पढ़ के चलने हैं. AS 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 ये आपको पढ़ के चलना है. ठीक है, तो ये आपका कंपनी अकाउंट्स का सिलेबस है फॉर 50 मार्क्स. ऑडिट के सिलेबस की डिस्कशन हम ऑडिट वाले क्लास में करेंगे. ठीक है, देखो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें को डिस्कस करते हैं ताकि आपके दिमाग में अकाउंटिंग आ जाए. मुझे बताओ, जब भी मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं, अकाउंटिंग जो होती है हमारी, कौन कौन सी चार टर्म्स के आगे पीछे घूमती है? मैं देखो, मैं अभी यहां पर ये डिस्कस नहीं करूंगा अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लिमिटेशन, क्योंकि वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है और वो सब आपको पता भी है अकाउंटिंग क्या होती है, क्योंकि अकाउंटिंग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो वो चीज़ें, वो सब चीज़ें क्लियर है कि अकाउंटिंग क्या है, कि लेजर अकाउंट्स बनाना, जर्नल एंट्रीज करना, तो वो सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा. लेकिन हाँ, ये चीज़ जरूर पूछूंगा कि अकाउंटिंग कौन सी चार चीज़ों के आगे पीछे घूमती है, मुझे बताओ दिमाग लगा के. चलो आंसर आया सर डेबिट,
क्रेडिट और प्रॉफिट लॉस और देखो अकाउंटिंग जो हमारी घूमती है वो कौन कौन से चार चीजों के आगे पीछे घूमती है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। जो आपने बोला ना प्रॉफिट और लॉस वो यहीं से निकल के आ जाएगा, इनकम और एक्सपेंस से। डेबिट क्रेडिट तो ये तो रूल्स होते हैं, ठीक है, ये तो डेबिट, ये तो रूल्स हैं कि रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की, भी डेबिट किसको डेबिट करना है, कब डेबिट करना है, क्रेडिट किसको क्या करना है, कब करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग में कोई भी आइटम उठा लो वो इन चारों में से एक ही होगी, या तो कोई आइटम एसेट होगी या कुछ लाइबिलिटी होगी या इनकम होगी एक्सपेंस होगी। मैंने किसी को रेंट पे किया वो बताओ चारों में से कहाँ आएगा, एक्सपेंस में आएगा। मुझे कहीं से सैलरी मिली, इनकम में आएगा। मेरे पास फर्नीचर है एंड फिक्चर्स हैं वो क्या आएंगे, एसेट आएंगे। मेरे पास बिल्डिंग है, एसेट आएंगे। मैंने कहीं से लोन ले रखा है, लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स होती हैं या पीएनएल के जितनी भी आइटम्स होती है या अकाउंट्स में जो भी आइटम्स होती हैं वो या तो एसेट होगी या लाइबिलिटी होगी या इनकम होगी या एक्सपेंस होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है, दैट इज योर एसेट। कि सर ये एसेट क्या है, व्हाट इज एसेट, बताओगे मुझे एसेट क्या है, व्हाट इज एन एसेट। गुड 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 गुड, कि जिसको यूज करके हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल ठीक पॉइंट बोला आपने। लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बोलूंगा, एसेट का मतलब क्या हो गया, एसेट्स आर द रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि मेरे कंट्रोल में है, जो कि मेरे कंट्रोल में है, जिससे मुझे क्या मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। वो रिसोर्सेज जो कि मेरे कंट्रोल में है जिससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स है, मेरे कंट्रोल में भी है लेकिन मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्यूचर में, तो वो मेरा एसेट नहीं है, वो क्या कहलाएगा फिर। जैसे मैंने कोई मशीनरी का एक इक्विपमेंट खरीदा, मान लो वो इक्विपमेंट था लेट अस से 5,000 रुपीज का, ठीक है, लेकिन उस इक्विपमेंट से मेरे को आज तो बेनिफिट मिल जाएगा लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मैं उसे एसेट बोल सकता हूं, आंसर इज नो। फिर क्या बोलू, बिल्कुल एक्सपेंस। मतलब कोई ऐसी आइटम जिससे मुझे, मेरे कंट्रोल में भी है, आज तो बेनिफिट मिल जाएगा लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, दैट इज माई एक्सपेंस, नॉट एसेट। तो एसेट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना जरूरी है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पे फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री पे प्रोडक्शन होगी तो वो लंबे समय तक चलेगी प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मेरा लंबे समय तक चलेगा, एसेट। मैंने कोई कार खरीदी, कार मेरी लंबे समय तक चलेगी, एसेट, ठीक है। तो एसेट का मतलब क्या होगा, वो रिसोर्सेज जो कि मेरे कंट्रोल में है जिससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो हमने डिस्कस किया, कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, पॉइंट आ गया सर ओनरशिप। इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन होती है कि ओनरशिप मैंडेटरी नहीं होती है कंट्रोल के लिए। अब एग्जांपल, मैंने कार खरीदी लेकिन कार पे मेरा लोन चल रहा है, मैंने कार खरीदी और कार लोन कराते हैं आजकल लोग, ठीक है, थोड़ी महंगी कार थी मैंने लोन करा लिया, ठीक है। अब क्या वो कार मेरे कंट्रोल में है, अगर आप कह रहे हो कि कंट्रोल में नहीं है, देखो ध्यान से मेरा क्वेश्चन का बस जवाब देना। आपने बोला कि सर वो जो कार आपने लोन पे खरीदी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या आया होगा कि सर ओनरशिप तो आई नहीं है, इसी वजह से बोला ना कि कंट्रोल में नहीं है। तो अगर मेरे कार मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मुझे उसे एज एसेट मानना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं एसेट में। तो कंट्रोल में क्या आता है, कंट्रोल में आता है कि सब्सटेंस उसका हमारे पास होना चाहिए, ओनरशिप हो या ना हो। भाई कार मैंने मारुति से खरीदी है, जब तक मैं उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स ना दे दूं ओनरशिप मारुति के पास ही रहेगी, लेकिन फिर भी उस कार को मैं अपनी एज एसेट दिखा रहा हूं क्योंकि यूज तो मैं ही कर रहा हूं, तो डेप्रिशिएट भी मैं करूंगा उस कार को, ठीक है।
तो ओनरशिप इज नॉट मैंडेटरी. कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि यूज होना चाहिए मेरे पास, ठीक है. कंट्रोल भी डिस्कस हुआ. और नेक्स्ट इज योर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, आइटम्स, बेसिकली जिन आइटम्स को यूज करते हैं. क्या रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज सारे टेंजिबल फॉर्म में ही हो सकते हैं. टेंजिबल समझते हो, टेंजिबल मतलब दैट कैन बी सीन और टच, ठीक है. क्या रिसोर्सेज सारे टेंजिबल फॉर्म में ही हो सकते हैं, आंसर इज नो. रिसोर्सेज कैन बी इनटेंजिबल ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स भी तो होते हैं, जैसे गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, हमारे कंट्रोल में भी हैं और इन सब से भी हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा. मैंने किसी चीज़ का पेटेंट करा लिया, कोई फॉर्मूला इन्वेंट किया उसका पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट करा लिया, कंटेंट का कॉपीराइट करा लिया, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, वो मेरा एसेट है. लेकिन वो रिसोर्स कैसा है, मेरा इनटेंजिबल फॉर्म में है, ठीक है. तो एसेट की डेफिनेशन क्लियर हुई. तो एसेट का मतलब क्या हुआ, एसेट वो रिसोर्स है जो कि हमारे कंट्रोल में है, जिससे हमें क्या मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा. क्लियर. एसेट के बाद अगली हमारी डेफिनेशन आती है लायबिलिटी. बताओ जी लायबिलिटी क्या होगी. हाँ जी, लो, खाली लोन ही लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स भी तो होते हैं. पोजेशन का रोल नहीं है. लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी इज माय ऑब्लिगेशन. लायबिलिटी क्या है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए मेरे रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, तो वो मेरी लायबिलिटी कहलाएगी. एंड दैट ऑब्लिगेशन मट मस्ट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट. मतलब बैलेंस शीट डेट कह दो, या जिस भी डेट पे आप अपनी लायबिलिटी को असेस कर रहे हो, ऑब्लिगेशन उस टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए. अब इसके भी बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं. आज है लेट अस से 31 मार्च 2020, 31 मार्च 20 हो गई है, मेरे ऊपर एक लोन चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर एक होम लोन चल रहा है जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह गया है लेट अस से 10 लाख रुपीज. मुझे बताओ क्या ये मेरी लायबिलिटी है. बिल्कुल है. कैसे पता लगा कि सर 31 मार्च 20 को, मतलब बैलेंस शीट डेट पे आपकी ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, और उस ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए, मतलब 10 लाख को पे करने के लिए आपके रिसोर्सेज जाएंगे, मतलब आपका कैश जाएगा. अच्छा, खाली रिसोर्सेज में कैश जाए, सिर्फ कैश ही जाएगा. कैसे पे कर सकते हैं, बिल्कुल, कि मतलब रिसोर्सेज जाने चाहिए. रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, कैश भी हो सकता है, कोई एसेट भी हो सकता है. जैसे मेरे पास कोई क्रेडिटर्स हैं, मैंने किसी से गुड्स खरीद रखे हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए, मैंने उनको कोई अपना एसेट दे दिया, मैंने उनको अपना गोल्ड दे दिया, मैंने उनको अपनी वॉच दे दी, तो वो भी तो हमारे रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है. तो लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऑब्लिगेशन मस्ट प्रेजेंट ऑन द बैलेंस शीट डेट, और जिनको डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब जिनको पे ऑफ करने के लिए हमारा क्या जाएगा, रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा. अब एक एग्जाम्पल बनता है आपका, ध्यान से समझना एग्जाम्पल को. लेट अस से एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, इसके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट केस डाल रखा है लेट अस से लेबर ने वेजेस के, वेजेस से रिलेटेड डाल देते हैं ना, लेबर यूनियन केस डाल देते कि भी वेजेस बढ़ाओ बढ़ाओ ऐसे करके, ठीक है. तो उन्होंने कोर्ट केस डाल रखा है, या कॉम्पेंसेशन का कोई कोर्ट केस डाल रखा है कंपनी के ऊपर. आज हो गई है 31 मार्च 20, लेकिन अभी केस कंटिन्यू है, केस का कोई डिसीजन आया नहीं है. मुझे ये बताओ क्या ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी लायबिलिटी है, ध्यान से सोच के बताओ. फिर मैं इसको क्या बोलूं, क्या मैं इसको अपनी बैलेंस शीट में कुछ दिखाऊंगा, कुछ बोल सकता हूं मैं इसे. अगर आपने बोला नहीं, तो एक अकाउंटिंग में प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. अगर आपने कभी 11th क्लास में पढ़ा हो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, वो कहता है कि आपको सारी अनसर्टेनिटीज को, सारी इनसिक्योरिटीज को अपने अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा. तो ये भी तो एक अनसर्टेनिटी है, अगर हम हार गए तो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे. तो अब मैं उसको लायबिलिटी बोल सकता हूँ, आंसर अभी भी नहीं बोल सकता.
अभी भी मैं इसको लायबिलिटी नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी मैं इसे शो करूंगा, फिर भी मैं इसे शो करूंगा। पता है किस नाम से? इसको मैं शो करूंगा कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम से। टर्म सुनिए कभी, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी, बिल्कुल, कंटिंजेंट लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी टर्म्स। जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, भले उसके नाम के साथ लायबिलिटी वर्ड लिखा है, लेकिन वो लायबिलिटी नहीं है। क्योंकि क्यों लायबिलिटी नहीं है? क्योंकि उसने यहां लायबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। लेकिन वो ऐसी सिचुएशन है, ऐसी चीज है जो डिपेंड है किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कंपनी ये वाला केस हार जाती है तो कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा। तो कंपनी को अपने यूजर्स को, अच्छा मुझे बताओ, जो कंपनी इंफॉर्मेशन बनाती है, बैलेंस शीट पीएनएल बनाती है, वो किसके लिए बनाती है? कोई भी एंटिटी अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करती है, वो किसके लिए तैयार करती है? क्या खुद के लिए तैयार करती है? खुद के लिए भी करती है। नहीं, क्यों? बेसिकली कह सकते हैं हम अपने यूजर्स के लिए तैयार करते हैं भाई। नहीं, शेयर के प्राइस बढ़ना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप चाहोगे ना देखना कि भाई मेरी कंपनी क्या चल रही है, मेरी कंपनी प्रॉफिट में है नुकसान में है? क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो आप देखना चाहोगे ना कि भाई ये कंपनी चल भी रही है या नहीं चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा। तो आप बन गए यूजर। अब आप फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैंक हो, बैंक ने लोन दे रखा है मुझे, ठीक है। अब मुझे बताओ, बैंक इंटरेस्टेड होगी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए? क्योंकि बैंक का भाई पैसा फंसा हुआ है, कहीं बैंक का लोन ना डूब जाए, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। तो हमें यूजर्स को अवेयर करना होता है कि भाई हमारे पर एक केस चल रहा है, हो सकता है हम हार जाए, तो अपना डिसीजन उस हिसाब से ले लो। अगर कंपनी को, अगर लोगों को लगता है कि भाई ये कंपनी की तो हालत खराब है, तो वो अपना शेयर बेच के चली जाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज योर कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब इस सिचुएशन को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। वही कोर्ट केस आ गया, वही लेबर ने लगा रखा है कोर्ट केस, वही सेम लेते हैं। एनहांस्ड, एनहांस मतलब कंपेंसेशन बढ़वाने के लिए, वेजेस बढ़वाने के लिए, एनहांस्ड कंपेंसेशन के लिए लेबर ने कोर्ट केस लगा रखा है। आज हो गई है 31 मार्च 20, कोर्ट का डिसीजन आ गया, कोर्ट का डिसीजन आ गया, और ये जो कंपनी थी, कंपनी ये केस हार गई। लेकिन लेकिन अभी अमाउंट का पता नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। लेबर ने केस कर रखा था कंपनी के ऊपर, कंपनी वो केस हार गई, कोर्ट ने बोल दिया पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी कोर्ट ने ये नहीं बताया कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो क्या मैं 31 मार्च को इस चीज को लायबिलिटी बोल सकता हूं? सोच के बताना, मुझे ये नहीं पता अमाउंट कितना है, लेकिन ये पता है कि पैसा पे करना पड़ेगा, क्या मैं लायबिलिटी बोल सकता हूं? तो मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं? ऊपर आओ डेफिनेशन पे, एक एक वर्ड समझो। क्या मेरी बैलेंस शीट डेट पे ऑब्लिगेशन आ गई है? बिल्कुल आ गई है, जब कोर्ट केस हार गया तो ऑब्लिगेशन आ गया। क्या मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा? बिल्कुल पे करना पड़ेगा। क्या पे करने से मेरे रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा? आंसर इज यस होगा। तो लायबिलिटी तो बन गई है। लेकिन अब बात आती है, सर यही नहीं पता अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी को किस अमाउंट पे दिखाऊं? कुछ बैलेंस शीट में अमाउंट तो चाहिए ना मुझे, अब क्या करूं बताओ। देखो, इसको हम बोलते हैं, दिस इज योर, टर्म सुनी होगी आपने, प्रोविजन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोविजन। प्रोविजन क्या है? अब यहां से टर्म निकल गया है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी जिसका अमाउंट अभी फिक्स्ड नहीं है। और प्रोविजन हमेशा किस बेसिस पर होता है? हमेशा किस बेसिस पर होता है प्रोविजन? एस्टिमेट बेसिस पर होता है। एक प्रिडिक्शन ही तो करते हैं मैनेजमेंट कि भाई हो सकता है इतना पे करना पड़ जाए। भाई उनको ये तो पता होगा कि लेबर ने कि लगभग कितने रुपए का केस लगा रखा है, तो उसके ऊपर नीचे ही फिगर होगी, ठीक है। तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी हुज अमाउंट कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। मतलब वो लाइबिलिटी है जिसका अमाउंट फिक्स नहीं है, लेकिन उस अमाउंट को मैनेजमेंट मेजर कर सकती है। कैसे मेजर कर सकते हैं? कुछ अपने टेक्निक्स लगाकर, ठीक है। तो ये टर्म क्लियर हुई, लाइबिलिटी, एसेट क्लियर हुई, लाइबिलिटी क्लियर हुई। अब बाद में आती है हमारी अगली टर्म,
इनकम और एक्सपेंस, इसमें तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकम बताओ क्या होगी, इनकम में क्या 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 आता है, व्हाट इज इनकम? अच्छा, सिर्फ कैश ही इनकम होती है, सिर्फ कैश की फॉर्म में इनकम होगी। आपने क्रेडिट सेल करी किसी को, कैश तो रिसीव हुआ नहीं, तो क्या मैं उस क्रेडिट सेल को अपनी इनकम नहीं बोल सकता? समझे मेरा पॉइंट? क्रेडिट सेल करते हैं ना, मैंने किसी को गुड्स बेचे लेकिन उसने कैश नहीं दिया, उधार पे मेरे से लेके चला गया, तो उस क्रेडिट सेल को भी तो मैं अपनी इनकम बोलूंगा। तो इनकम का मतलब ये नहीं है कि कैश आएगा, इनकम मीन्स रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कि भाई ऑर्डिनरी केस में, ऑर्डिनरी कोर्स में मैं अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचकर क्या रेवेन्यू कमा लेता हूं, दैट इज माय इनकम। अब आपने कई बार सुना होगा, पीएनएल अकाउंट में देखा भी होगा, एक टर्म लिखी होती है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कि भाई एसेट को बेचा प्रॉफिट में बेच दिया, एसेट को, इन्वेस्टमेंट्स को बेचा प्रॉफिट में बेच दिया, कहीं से मुझे ग्रांट मिल गई, ठीक है, कहीं से मेरे को कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, ठीक है, वो सब भी तो इनकम है, वो सब भी तो पीएनएल अकाउंट में जाके क्रेडिट होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, ये मेरी ऑर्डिनरी कोर्स की आइटम नहीं होती है, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो पॉइंट क्या सामने आया, पॉइंट ये सामने आया कि जो हमारा इनकम है, इनकम मीन्स रेवेन्यू एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑल्सो, जरूरी नहीं है उसे कैश आए, वो क्रेडिट फॉर्म में भी हो सकती है, या तो कैश अभी आएगा नहीं तो बाद में आएगा, आएगा तो सही कभी ना कभी, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे, खर्चे क्या क्या होते हैं बोलो, खर्चे किस किस तरीके के होंगे, या तो मेरा, हाँ, या तो मेरा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होगा, या तो मेरा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होगा जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा होता है, जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कोई जनरल एक्सपेंसेस पे करना, जनरल ओवरहेड्स पे करना, ये सब क्या होंगे मेरे ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गए, ठीक है। अच्छा, क्या ये भी कैश की फॉर्म में होंगे? जरूरी नहीं है, कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे भी तो होते हैं, भाई मेरा रेंट ड्यू हो गया लेकिन मैंने पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ठीक है। साथ साथ मेरे लॉसेस भी होते हैं, जैसे एसेट को प्रॉफिट में बेचा तो एसेट कभी कभी लॉस में भी बिकता है, तो वो भी मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट मेरी लॉस में भी बिकती है, कोई मेरे को एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉसेस भी होते हैं, बैड डेट्स भी होते हैं, जैसे प्रोडक्शन करते हुए कई बार एबनॉर्मल लॉस होता है, वेस्टेजेस हो जाती हैं, ठीक है, वो सब क्या होती है मेरे लॉसेज होते हैं, पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं जाकर, ठीक है। तो दीज आर माई इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो ये टर्म्स क्लियर हुई, बोलो क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे जनरल टर्म्स में। तो अकाउंटिंग में आपकी ये चार टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इन चारों टर्म्स में हमारी अकाउंटिंग घूमती है। आप कोई भी आइटम उठा लेना, हमेशा वो इन चारों में से कुछ ना कुछ होगी, या इनकम होगी, या एक्सपेंस होगा, या एसेट होगी, या लाइबिलिटी होगी। अब कुछ जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करता हूँ मैं, बेसिक एंट्रीज नहीं पूछूंगा आपसे, थोड़ा सा टेक्निकल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, ताकि पता लग जाएगी किस हिसाब से माइंड मेकअप है। रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री, जैसे होता है ना रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब फॉर एग्जांपल हमने 11 महीने का रेंट पे कर दिया, एक महीने का पे नहीं करा, तो उस एक महीने की एंट्री बताओ सिर्फ। तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग टू उसको पे करना है, पे तो किया ही नहीं मैंने, किसी को तो पे करना होगा ना, मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने पे किया ही नहीं, अभी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा मुझे बताओ, देखो ध्यान से, लेट अस से जनवरी से लेकर, मेरा जनवरी टू दिसंबर का ईयर है फॉर एग्जांपल, 12 महीने का, जनवरी से लेकर नवंबर तक का 10,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मेरा रेंट था, वो मैंने पे कर दिया, दिस इज पेड, इसकी एंट्री बताओ, हर महीने मैं क्या एंट्री डाल रहा हूँ, रेंट टू बैंक, कि सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने कितने से, 10,000 से। ये तो जनवरी टू नवंबर तक चल रही होगी, अब बात आ गई दिसंबर, दिसंबर में क्या करूंगा,
दिसंबर का जो रेंट था वो मैंने पे नहीं करा अभी, लेकिन रेंट तो ड्यू हो गया ना मेरा, दिसंबर का खर्चा बुक करूँ मैं 10,000 रुपये का? पहले बताओ क्या मुझे रेंट का एक्सपेंस दिसंबर में बुक करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। तो मतलब रेंट तो डेबिट होगा ही होगा, रेंट अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। उल्टा बोल दिया आपने, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्यों? क्योंकि सर रेंट का तो खर्चा बुक होगा ही होगा, वो मैंने कर दिया डेबिट, और आउटस्टैंडिंग रेंट मेरी क्या बन गई? एक लायबिलिटी बन गई। ठीक है, अब उन्हीं चारों चीजों में आ जाओ, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। एसेट के लिए रूल क्या होता है मुझे बताओ, जब एसेट बढ़ रहे होंगे तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। एसेट कम हो रहे होंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही होंगी तो डेबिट होंगी क्रेडिट होंगी? क्रेडिट होंगी। लायबिलिटी कम हो रही होंगी तो क्या होंगी? डेबिट होंगी। इनकम बढ़ रही होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। और एक्सपेंस अगर बढ़ रहे होंगे तो डेबिट होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या किया भाई, रेंट का एक्सपेंस है डेबिट होना चाहिए था, और लायबिलिटी बन गई मेरी एक, वो क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या बन गई? रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, एक नई लायबिलिटी आ गई बेसिकली सामने। क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं, नहीं कैश बैंक तो वही नहीं ना, मैंने क्या लिखा है? नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव का मतलब तो कैश और बैंक का तो रोल ही नहीं आया। अब मुझे बताओ ये इंटरेस्ट मेरी इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, तो यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करो। अब डेबिट किसे करूं? अब मुझे बताओ क्या मेरा एक एसेट जनरेट हो रहा है? कैसे? इंटरेस्ट आएगा तो मैं कह सकता हूं ना, एक तरीके से डेटर की तरह मेरा एक एसेट जनरेट हो गया। जैसे डेटर से पैसा आना होता है वैसे इंटरेस्ट भी आएगा मेरे पास, तो उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड। तो एंट्री क्या बनेगी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, जो भी अमाउंट है। दिस इज योर इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्लियर? एंट्री नंबर 3, एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वर्सेस नॉर्मल लॉस, दोनों डिस्कस कर लेता हूं। एबनॉर्मल लॉस वर्सेस नॉर्मल लॉस, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में कई बार ये टर्म सुनी होगी, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। प्रोडक्शन के टाइम पे सुनी होगी टर्म, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वगैरह। बताओ क्या फर्क है दोनों में? नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? डिस्टिंक्शन इसका कैसे है एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस का? नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, नॉर्मल लॉस जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसको हम रोक नहीं सकते। जैसे कि पेट्रोल आ रहा है कहीं से, पेट्रोल आते हैं, पेट्रोल हमने लोड करवाया, ठीक है, लेट अस से लोड करवाया 1000 kgs, लेकिन जिस डेस्टिनेशन पे वो पहुंचा था, फॉर एग्जांपल पेट्रोल साउथ से नॉर्थ में जाना था, ठीक है, तो किसी ट्रांसपोर्ट से जाएगा, तो जाते जाते 100 kg पेट्रोल क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया, गर्मी थी इवेपोरेट हो गया, या कोई कुछ ना कुछ कोई केमिकल जा रहा है वो केमिकल लीक हो गया, ठीक है, वो सब होता है नॉर्मल लॉस। क्यों नॉर्मल लॉस? क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है भाई, एनवायरनमेंट में किसी का कोई भरोसा नहीं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? नॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कि हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, भाई हमने पैकिंग ठीक से नहीं करी, पैकिंग ना करने की वजह से कोई चीज टूट गई, ठीक है, तो वो हमारे क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। अब टेक्निकली बताओ
क्या नॉर्मल लॉस को, क्या नॉर्मल लॉस को मैं अपना एक्सपेंस बोलूं या नहीं बोलूं? मेरे कंट्रोल में नहीं है वो खर्चा, लेकिन होगा ही होगा, वो कोई भी इंडस्ट्री है वो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जम्मू से या कश्मीर से एप्पल्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो एप्पल्स जा रहे हैं साउथ इंडिया में, वेदर की वजह से कुछ एप्पल्स खराब हो गए, ठीक है, तो वो तो अनकंट्रोल में। भाई अगर मेरे मेरी कंपनी के साथ हुए हैं तो ऐसे कई सारी एप्पल जो बनाती है कंपनीज, या जो एप्पल प्लांटेशन करती है उनकी कई सारी कंपनीज के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो तो नॉर्मल लॉस हो गया। क्या उस लॉस को मैं अपने पीएनएल अकाउंट में दिखाऊं या कस्टमर से चार्ज करूं? कस्टमर से चार्ज करोगे। कस्टमर से चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? कस्टमर से चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ेगी। प्राइस नहीं, उसको बोलेंगे कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज। कैसे? आपने, इधर सुनो ध्यान से, आपने 10,000 रुपीज खर्च करे 1,000 यूनिट्स बनाने के लिए। 10,000 रुपीज खर्च करे भाई, इसमें रॉ मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गई, अदर ओवरहेड्स भी आ गए, और इस 10,000 रुपीज को खर्च करके आपने 1,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लिए, तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? 10 रुपये पर यूनिट, ठीक है। लेकिन जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचने थे वहां पर ये जो यूनिट्स पहुंचे वो पहुंचे लेट अस से 900 ही, 100 यूनिट्स वेस्टेज हो गए नॉर्मली। मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। तो यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 900 जो भी इसका बनेगा 11-12 रुपए, तो यानी कि कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज। कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी तो सेल प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, नॉर्मल लॉस को चार्ज कर लिया फ्रॉम द कस्टमर। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल लॉस है, होगा ही होगा। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हुआ? जो हमारी नेग्लिजेंस की, हमारी गलती की वजह से हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस जो कि हमारी गलती की वजह से है, क्या मैं उसको कस्टमर पे डाल दूं? नहीं, तो उसको क्या करूंगा, मैं अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। मुझे बताओ, हम इंश्योरेंस कराते हैं भाई, हो सकता है हमने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा हो, क्या हम एबनॉर्मल लॉस को इंश्योरेंस कराते हैं या नॉर्मल का इंश्योरेंस कराते हैं? एबनॉर्मल का, भाई नॉर्मल का तो पता ही नहीं ना, तो इंश्योरेंस कैसे कराएंगे? तो एबनॉर्मल का हम इंश्योरेंस कराएंगे। तो अगर मुझे क्लेम मिल रहा है, अगर मुझे क्लेम मिल रहा है तो क्लेम की एंट्री क्या डालनी चाहिए मुझे? हाँ, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू बैंक में जाएगा, और इसको मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, मेरी इनकम बन जाएगी। जब एबनॉर्मल लॉस मेरा एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस क्लेम मेरी इनकम बननी चाहिए। एबनॉर्मल लॉस अगर पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो इंश्योरेंस क्लेम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, या नेट करके भी आप दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का लॉस हुआ, उस लॉस के अगेंस्ट मेरे को 7,000 रुपीज का क्लेम मिल गया, तो मेरा नेट में लॉस कितना है? 3,000 का। या तो मैं 3,000 को ही पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दूं, या मैं 10 पीएनएल में डेबिट करके 7,000 रुपये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दूं बाय द नेम ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीजें थी, बताओ ये सब समझ में आई? ठीक है, बाकी जो जो एंट्रीज होंगी वो हम कोर्स जब चैप्टर करेंगे तब आपकी समझ में आती जाएंगी। कुछ बेसिक चीजें थी जो मैं आपको समझानी थी। अब हम एक चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, और वो चैप्टर आपका रहेगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, चलो। तो हेडिंग डालो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, देखो ये इसके कुछ नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस नोट से हम डिस्कस करते चलेंगे कंसेप्ट को, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बैठ के लिखवाऊं सारी चीज़ें, तो लिखवाने से बढ़िया ये आपको मैं प्रिंटेड फॉर्म में दे दूंगा, आप घर पे बैठ के उसको रीड कर सकते हो, लेकिन सारा इसका कंसेप्ट यहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल मुझे बताओ, कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा बिजनेस करने के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, किस किस तरीके से बिजनेस करा जा सकता है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, किस किस तरीके से बिजनेस को किया जा सकता है बताओ? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस,
एक तो आता है बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ? कि सिंगल ओनर है. क्या है? सिंगल ओनर है. दूसरी आती है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? दो या दो से ज्यादा, टू और मोर ओनर्स. तीसरी आती है, अच्छा पार्टनरशिप में एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ हुआ है, दैट इज योर एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है. और तीसरी आती है हमारी कंपनी फॉर्म में काम कर लो. कंपनी में क्या होगा? कंपनी में अनलिमिटेड ओनर्स. अगर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूँ, प्राइवेट में तो फिर भी रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन अगर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूँ तो अनलिमिटेड ओनर्स, जितने मर्जी ओनर्स हो जाए. उन ओनर्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स. क्या बोलेंगे उन्हें? शेयर होल्डर्स. तो देखो यहां पर, फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या हुआ? जो पैसा ओनर बिजनेस में प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज कैपिटल. कैपिटल डिपेंड करती है ऑन द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा बिजनेस किस तरीके का है. अगर मेरा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो मेरी ओनरशिप क्या रहेगी? मैं प्रोप्राइटर रहूंगा. मेरी कैपिटल क्या रहेगी? कैपिटल के नाम से कहलाएगी. ठीक है. और लाइबिलिटी मेरी क्या रहेगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी. अनलिमिटेड टर्म समझते हो? हाँ. कि लाइबिलिटी को पे करने के लिए मुझे अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ सकता है. सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है. ठीक है. दूसरी फॉर्म क्या रहती है? पार्टनरशिप. अगर पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में ओनर्स को बोला जाता है पार्टनर्स, उनकी कैपिटल को बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल, और उनकी लाइबिलिटी क्या रहती है? हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है. ठीक है. इसी में ही एक लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी का कंसेप्ट चलता है. एलएलपी में ये सब चीजें सेम है, वहां भी पार्टनर्स होते हैं, वहां भी पार्टनर्स कैपिटल होती है, लेकिन वहां पर लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है. कितनी तक लिमिटेड रहती है? जितना उन्होंने अमाउंट लगाया है, कॉन्ट्रीब्यूट किया. और फिर अगला फॉर्म आता है, दैट इज योर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना. कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना मतलब कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको क्या कहते हैं? हम शेयर होल्डर्स कहते हैं. उनकी कैपिटल को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं. और उनकी लाइबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है. कितने तक की लिमिटेड रहेगी बताओ? कितने तक लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड रहेगी? जितना उन्होंने अमाउंट अभी नहीं किया, जितना अमाउंट उनका अनपेड है. अब सुनो ना मेरी बात ध्यान से. 10 रुपए का शेयर है, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, 10 रुपए का शेयर है, मैंने आपसे 8 रुपए मंगवा लिए. 10 रुपए पे शेयर पे मैंने 8 रुपए आपसे मंगवा लिए, 8 रुपए पर शेयर आपसे ले चुका हूं मैं. अब मैं मैक्सिमम आपसे कितने रुपए मांग सकता हूँ? 2 रुपए मांग सकता हूँ. तो यानी कि आपकी लाइबिलिटी कितनी लिमिटेड रहेगी? यानी कि अप टू द अमाउंट अनपेड बाय यू, जितना अमाउंट अभी तक आपने नहीं दिया उतनी आपकी लाइबिलिटी रहेगी. तो यानी कि आपकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है. कितने अमाउंट तक लिमिटेड है? जितना अभी आपने पे नहीं किया. अनपेड अमाउंट हेल्ड बाय द शेयर होल्डर. ठीक है. हाँ हाँ आई विल गिव यू. अभी आप सिर्फ अपना कंसेप्ट, अगर आपको कुछ नोट करना है तो करते चले जाओ, जो मैं आपको नोट्स में लिखवाऊंगा वो लिखते चले जाओ, ये फोटो कॉपी आपको मिलेगी. ठीक है. क्या क्या आपको टॉपिक्स इसमें कवर करके चलने हैं? सबसे पहला टॉपिक आता है आपका मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल क्या है, कितने तरीके की शेयर कैपिटल होती है ये जानेंगे. टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं. इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, अगर शेयर्स हम कैश में इशू कर रहे हैं तो किस तरीके से इशू होंगे. शेयर्स की सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन. इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, क्या शेयर हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं. इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, क्या शेयर मैं प्रीमियम पे महंगा भी शेयर इशू कर सकता हूँ. ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे एक चीज. कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, कभी कभी शेयर होल्डर अपना पैसा टाइम से पहले देता है, कभी कभी शेयर होल्डर पैसा देता ही नहीं है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस. इनके ऊपर इनका इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस. शेयर होल्डर जब पैसा नहीं देता तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेती है? फोरफीट कर देती है. फोरफीचर ऑफ शेयर्स, और वो फोरफीटेड शेयर कंपनी रीइशू भी कर देती है. ठीक है. और लास्ट इज इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि भाई शेयर इशू कर दिए बदले में कैश नहीं आया, कोई एसेट ले लिया. ठीक है. तो ये चीज करनी है. ठीक है. तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपके सामने
मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अगर मैं शेयर की बात करूं तो शेयर का मतलब क्या हुआ? शेयर का मतलब होता है एक टुकड़ा, एक हिस्सा। कंपनी की टोटल कैपिटल में एक हिस्सा इज अ शेयर। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की टोटल कैपिटल है लेट अस से 10 लाख रुपए की, और कंपनी ने 10-10 रुपए के हिस्से बना रखे हैं, तो वो एक हिस्सा क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए कंपनी के? 10 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। तो यानी कि कंपनी ने अपनी कैपिटल को 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और मतलब कंपनी अपनी कैपिटल को 1 लाख लोगों को इशू कर सकती है ना भाई। 10 लाख मंगवाने के या तो भाई अलग अलग तरीके हैं, या तो 10 लाख तुम एक ही जने से मंगवा लो, या तुम चाहते हो कि भाई मैं बहुत सारे ओनर्स को, काफी सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करूं, तो आपको अपने शेयर्स बनाने पड़ेंगे, आपको पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो वो एक 10-10 रुपए का क्या है? शेयर है। तो ये चीज कह रहा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट कॉल्ड शेयर, ठीक है? अब तीन टर्म हमारे सामने आती है, एक आती है नॉमिनल वैल्यू, एक आता है इशू प्राइस, और एक आता है मार्केट प्राइस। क्या क्या टर्म आई है हमारे सामने? नॉमिनल वैल्यू, इशू प्राइस, और एक आता है मार्केट प्राइस। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है ये वो प्राइस है जो कि कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड है, जो कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या है? प्रिंटेड है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता, इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि कंपनी की 10 लाख की कैपिटल है, कंपनी ने अपनी कैपिटल को 10-10 रुपए के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो एक 10 रुपए कहलाएगा नॉमिनल वैल्यू। इशू प्राइस का मतलब क्या हुआ? जिस प्राइस पर कंपनी शेयर क्या कर रही है? इशू कर रही है टू द पब्लिक, पब्लिक को इशू कर रही है। मतलब ये 10 रुपए का शेयर कंपनी कितने रुपए पे इशू कर रही है? किस किस रुपए पे इशू कर सकती है? या तो कंपनी 10 का शेयर 10 में इशू कर दे, इसको बोलते हैं इशू एट पार, इशू एट पार। 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 रुपए में, 15 रुपए में इशू कर दे, इसको बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। या 10 रुपए का शेयर कंपनी 8 रुपए में इशू करते, दैट इज इशू एट डिस्काउंट। लेकिन ये कंपनी एक्ट अलाउ नहीं करता, कंपनी एक्ट कहता है कि कंपनी कभी भी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स अभी मैंने डिस्कस किए थे, स्वेट इक्विटी में क्या होता है? एम्प्लॉयज या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, ठीक है? तो कंपनी या तो पार पे इशू करेगी या क्या करेगी? प्रीमियम पर इशू करेगी। दिस इशू इज योर इशू प्राइस, ये जो प्राइस बोला जा रहा है दैट इज योर इशू प्राइस। और अगला आता है आपका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ? जो कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है इन द स्टॉक मार्केट, इन द ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, कि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, दैट इज योर मार्केट प्राइस। मुझे बताओ क्या मार्केट प्राइस और इशू प्राइस बराबर होगा? डिफर कर सकता है, जरूरी नहीं है मार्केट प्राइस और इशू प्राइस बराबर होता है। क्योंकि जब मैं मार्केट की बात करता हूं तो मार्केट में आ जाती है मेरे पास दो फोर्सेस, दैट इज योर डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर। भाई अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, भाई कंपनी के पास इतने शेयर नहीं है लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे आ गए हैं, तो शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। कंपनी ने शेयर तो इशू करा है लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा, तो प्राइस क्या होगा? गिरता चला जाएगा, ठीक है? दिस इज योर मार्केट प्राइस। तो ये तीन टर्म्स आपको समझनी है। अब देखो आगे क्या कहता है, वो कहता है कंपनी कैन इशू शेयर एट अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू। जो भी हमने बताया ना 10 रुपए की फेस वैल्यू है, जरूरी नहीं है कंपनी 10 रुपए का ही शेयर इशू करे, वो अलग प्राइस पे भी इशू कर सकती है, 12 पे, 15 पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पर इशू कर सकती है। द इशू प्राइस नीड नॉट बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है? वो तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होगा। नाउडेज शेयर प्राइस इज डिसाइडेड बाय बुक बिल्डिंग प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग में क्या होता है? बुक बिल्डिंग में कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, एक आईपीओ आता है। आईपीओ टर्म सुनिए, आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कंपनी पहली पहली बार शेयर इशू करती है,
उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब आईपीओ के केस में कंपनी शेयर प्राइस को फिक्स इजीली नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि कंपनी को नहीं पता ना शेयर कितने में जाएगा, तो कंपनी क्या करती है एक प्राइस बैंड फिक्स कर देती है। प्राइस बैंड मतलब कंपनी ने बोला 10 से लेकर 15 तक का प्राइस बैंड है, जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा बिड्स आएंगी वो प्राइस क्या कहलाएगा, कंपनी का इश्यू प्राइस फिक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब कंपनी ने एक प्राइस बैंड बनाया और उस प्राइस बैंड के बेसिस पे क्या करा उसने, प्राइस को फिक्स किया। बताओ, ठीक है, तो इसको पढ़ो यहां पर। बुक बिल्डिंग इज द प्रोसेस अंडर विच कंपनी डिटरमाइंस अ प्राइस बैंड ऑफ इट्स शेयर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव्ड फ्रॉम द पोटेंशियल इन्वेस्टर एट वेरियस प्राइसेस विद इन द प्राइस बैंड कंपनी फाइनली फिक्सेस इट्स इश्यू प्राइस। मतलब लोगों से बिड्स मंगवाती है, अभी कंपनी इशू नहीं कर रही है, अभी कंपनी लोगों से एक्सपेक्टेशंस ले रही है कि आप मेरे कंपनी का शेयर कितने रुपए में खरीदना चाहोगे, क्या आप 10 रुपए में खरीदना चाहोगे, 15 में खरीदना चाहोगे, जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा बिड्स होंगी, बोली बिड्स का मतलब बोली, जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा बिड्स होंगी वो प्राइस कंपनी का इशू प्राइस फिक्स हो जाएगा। क्लियर है वाला पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज योर टाइप मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल क्या होती है और इसके प्राइसेस किस हिसाब से बनते हैं। अब आता है हमारा अगला पॉइंट इज योर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है, देखो सबसे पहले आती है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बताओ मुझे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब हुआ वो मैक्सिमम अमाउंट जिससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब भी कंपनी बनती है, तो कंपनी को एक अपने कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको शायद पता हो कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में MOA के अंदर ऑथराइज कैपिटल लिखनी पड़ती है कि भाई कंपनी इससे ऊपर कैपिटल इशू नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और ऑथराइज कैपिटल को फिक्स कर दिया ₹10 लाख, मतलब मैं 10 लाख से ऊपर के शेयर इशू नहीं कर सकता, दैट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल। अब बात आती है सर अगर मान लो कंपनी को किसी भी टाइम पे 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, फिर तो कंपनी गई क्या करेगी, कंपनी 10 लाख से तो ऊपर शेयर इशू कर ही नहीं सकते, रिक्वायरमेंट आ गई है 50 लाख रुपए की, क्या करे, लोन भी नहीं मिल रहा, कंपनी चाहती है शेयर इशू करना, क्या ये बढ़ सकती है, आंसर इज येस इट कैन बी इंक्रीज, इसको बढ़वा सकते हो सब्जेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज को मैनेज करती है मिनिस्ट्री, उनके पास एप्लीकेशन लगा के उनका प्रोसेस होता है और उनके रिक्वायर्ड फीस होती है, वो सब फीस को पे करके कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकती है। अब क्वेश्चन आता है सर फिर कंपनी स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि कंपनी स्टार्टिंग में ही ऑथराइज कैपिटल ज्यादा फिक्स कर ले, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ फिक्स कर लूँ, भाई हो सकता है ना, मैंने आज तो बोल दिया कि मैं अपनी ऑथराइज कैपिटल को 10 लाख रखूंगा, 1 लाख रखूंगा, लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो क्यों ना मैं शुरू में ही अपनी कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल को 100 करोड़ फिक्स कर दूं। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, मतलब कोई भी नई कंपनी ऐसा करना प्रेफर नहीं करती, क्यों नहीं प्रेफर करना पसंद करती, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल के बेसिस पे कंपनीज को स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। क्या पे करनी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी लगभग होती है 1% ऑफ योर ऑथराइज कैपिटल। अगर मैं 100 करोड़ की फिक्स कर दूंगा तो इसका 1%, 1 करोड़ तो मुझे स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जो कि नई कंपनी कभी भी पे करना नहीं चाहिए। तो नई कंपनी हमेशा रखती है 10 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, ताकि 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, इतने तक की स्टैंप ड्यूटी हम पे कर सके, बाद में बढ़वा सकते हो, जब आपको पता है कि भाई रिक्वायरमेंट है तो बढ़वा लेना, ठीक है। दिस इज योर ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद आता है आपका इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल करेंगे। इशू कैपिटल का मतलब हुआ
ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा, ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कि कंपनी इशू करेगी। मैंने 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल को फिक्स किया, लेकिन मुझे अभी 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख की रिक्वायरमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 लाख की। तो मैं 5 लाख को ही क्या करूंगा? इशू करूंगा। 5 लाख रुपए होल्ड करके लगूंगा, जब जरूरत होगी तब इशू कर दूंगा। भाई जरूरी थोड़ा ना आज के आज ही 10 लाख इशू करने पड़े। मैंने 10 लाख रुपए ऑथराइज कैपिटल फिक्स कर ली, लेकिन मेरे को फिलहाल 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 5 लाख के शेयर इशू करूंगा। दिस इज योर इशूड कैपिटल। नेक्स्ट इज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब, सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब हुआ इशूड कैपिटल का वो हिस्सा। हाँ, जिस पे लोगों ने सब्सक्रिप्शन दे दी है। मैंने 5 लाख ऑफर ही तो करे अभी, लेकिन जरूरत थोड़ा ना कि 5 लाख के 5 लाख ही रुपए मेरे को आ जाए, 5 लाख के 5 लाख ही शेयर सब्सक्राइब हो जाए। हो सकता है कम हो। मैं तो मांगने गया 5 लाख रुपए, लेकिन मुझे मिले कितने? लेटर से मुझे मिले 4,90,000। तो वो 4,90,000 क्या कहलाएगी? मेरी सब्सक्राइब कैपिटल। यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल मतलब इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो कि लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, फिर मैं अलॉट करूंगा शेयर्स को। भाई प्रोसेस इस तरीके से चलेगा कि पहले मैं लोगों को ऑफर कर रहा हूँ शेयर्स, लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर मैं उनको अलॉट करूंगा शेयर्स। ठीक है, दिस इज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद आती है हमारी सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्योंकि देखो सब्सक्राइब कैपिटल ही मेरी क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब कैपिटल ही मेरी क्या होगी? अलॉट होगी। यानी कि 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन लोगों ने, हाँ, जिस जितनी मनी मैं मंगवा रहा हूं दैट इज माई कॉल्ड अप कैपिटल। बस जरूरी नहीं है मेरे को मैं आज ही 4,90,000 मंगा लूं, मैं भी आधे आधे करके मंगाऊं। मैंने आधे आज मंगवा लिए तो हाफ क्या कहलाएगा मेरा? कॉल्ड अप कैपिटल। 2,45,000 मेरी क्या कहलाएगी? कॉल्ड अप कैपिटल। और नेक्स्ट इज योर पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या है? बिल्कुल, जिस वो कैपिटल जिस पे लोगों ने क्या कर दिया? पैसा दे दिया है। मैंने मंगवाया कितने? 245, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स शैतान निकले, उन्होंने दिए ही नहीं पैसे। मैं मांगता चला गया लेकिन उन्होंने दिए, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये उन्होंने दिए ही नहीं। तो वो 240 क्या कहलाएगी मेरी? वो 240 मेरी कहलाएगी पेड अप कैपिटल। क्लियर? दिस इज योर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहली चीज ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल फिक्स करी, तो 10 लाख से ऊपर के शेयर इशू कर ही नहीं सकती कंपनी, लेकिन वो बढ़ सकती है सब्जेक्ट टू द एप्लीकेशन टू आरओसी, आरओसी में अप्लाई करके। इशूड कैपिटल मतलब इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जितना कंपनी ने ऑफर कर दिया है पब्लिक को फॉर इशू। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब इशूड कैपिटल का वो हिस्सा, बिल्कुल इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब, हाँ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा जिस पे कंपनी ने पैसा मंगवाना शुरू कर दिया है। और पेड अप कैपिटल मतलब कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जिस पे लोगों ने पैसा पे कर दिया। इसी में एक टर्म आती है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल होती है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कुछ ऐसी कैपिटल होती है जो कि कंपनी रिजर्व करके रखती है, रोक कर रखती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने, देखो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी थी? 4,90,000 रुपए की। मैंने 1,00,000 रुपए रोक लिए। मैंने बोला कि ये जो 1,00,000 रुपए हैं, ये मैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पे मंगवाऊंगा। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद होगी, हो सकता है मेरे को 1,00,000 की जरूरत पड़ जाए, तो मैं 1,00,000 रुपए रोक के रख रहा हूँ, होल्ड करके रख रहा हूँ कि ये 1,00,000 रुपए मैं वाइंडिंग अप के टाइम पे ही शेयर होल्डर से मांगूंगा। लेकिन पहले पैसे भी तो होने चाहिए ना रीपेमेंट करने के लिए। मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, एक बिजनेस बंद होने जा रहा है, ठीक है? बिजनेस को बंद करने के लिए पैसा कौन लेकर आएगा? ओनर लेकर आएगा। ऐसे कंपनी को बंद करने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कौन लेकर आएगा? ओनर लेकर आएगा। कंपनी के ओनर कौन है?
शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स ही तो मांगा जाएगा भाई। कंपनी के पास कुछ खुद के एसेट्स होंगे और एसेट्स के बाद अगर कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है तो शेयर होल्डर से तो मांगा जाएगा। लेकिन कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, तो शेयर होल्डर से मैक्सिमम तुम उतना ही मंगा सकते हो जितना उन्होंने पे नहीं किया। तो ये कैपिटल मैंने क्या करी है, रिजर्व कैपिटल, ये मैंने होल्ड करके रख ली है, ये मैंने होल्ड करके रख लिया कि इस कैपिटल को मैं मंगवाऊंगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब देखो इधर क्या कहती है, ये पॉइंट्स पढ़ो। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहले आती है ऑथराइज कैपिटल और इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। इट इज दैट कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज ऑथराइज टू रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। दिस अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज मेंशन्ड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द एमओए विद द रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस एमओए के कई सारे क्लॉजेज होते हैं, उसमें एक होता है कैपिटल क्लॉज, उस कैपिटल क्लॉज में कैपिटल मेंशन्ड होती है। ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल मतलब इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी। ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कि कंपनी ने क्या करा है, इशू कर दिया है। The remaining portion of the authorized capital which is not issued by the company is known as unissued capital. It is not shown in the balance sheet whereas issued capital is shown in the balance sheet at nominal value. The company may issue shares for cash and consideration other than cash. ये भी हम बाद में देखेंगे। आगे देखो subscribed capital. Subscribed capital क्या है? It is that part of the issued share capital which is subscribed by the public, that is applied by the public and allotted by the company. मतलब public ने apply कर दिया और साथ साथ company ने allot भी कर दिया है। खाली लोगों के application से कुछ फायदा नहीं होगा। application आने के बाद जब तक company shares को allot नहीं करेगी तब तक company की share capital नहीं बनेगी, तो allotment is mandatory. Then called up share capital. Called up share capital क्या है? The portion of issued share capital which the company has demanded or called from the shareholder and it is known as called up and the balance portion is known as uncalled capital. For example, 10 rupees ka share tha, company ne abhi ek share pe sirf 8 rupees mangwaye hain, to wo 8 rupees kya kehlayenge, called up capital, aur 2 rupees kya kehlayenge, uncalled capital. Wo kabhi bhi manga sakte hain, ho sakta hai company ne wo rok ke rakh liya ho. Dekho isi ke sath sath niche padho reserve capital. As per section 65 of the Companies Act 2013, it is that part of the subscribed uncalled capital. Point samajh mein aaya? Subscribed uncalled capital matlab? Called up nahi tha. Theek hai? It is that part of the subscribed uncalled capital which a company has decided by passing the resolution to call only in case of the liquidation of the company. जब पैसे की जरूरत, जब कंपनी बंद होने जाएगी, जब पैसे की जरूरत होगी कंपनी उसे मंगवा लेगी। इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बाद में देखेंगे। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? एक प्रॉफिट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया। इफ शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द अमाउंट, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियस। कभी कभी क्या होता है, शेयर होल्डर पैसा नहीं देता, दे पाता, वो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। और कभी कभी क्या होता है, शेयर होल्डर एडवांस में भी पैसा देता है, हमने मांगे नहीं लेकिन फिर भी शेयर होल्डर ने पैसा दे दिए। देखो मेरा 10 रुपए का शेयर था, मैंने 8 रुपए ही मांगे, तो वो 8 रुपए क्या बन गई मेरी, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, 8 रुपए क्या बन गई मेरी, कॉल्ड अप कैपिटल। अब 8 रुपए में से कुछ शेयर होल्डर ने 2 रुपए नहीं दिए, कुछ शेयर होल्डर, फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपए नहीं दिए, तो 2000 रुपए क्या कहलाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी थे, मैंने मांगे 8 थे लेकिन उन्होंने पूरे 10 रुपए दे दिए, लेट अस से वो भी 1000, वो 10000 शेयर होल्डर्स थे, तो 10000 ने 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो वो 20000 रुपए क्या कहलाएंगे मेरे, कॉल्स इन एडवांस कहलाएंगे। अब मुझे बताओ मेरा जो बैंक अकाउंट है, अभी ये सारी आपने कैपिटल्स पढ़ी कि कितने तरीके कैपिटल होती है, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो कौन सी कैपिटल से अफेक्टेड होगा, मेरे बैंक में कौन सा पैसा आएगा, क्या ऑथराइज का पैसा आएगा, बताओ, बिल्कुल ठीक, पेड अप का पैसा आएगा, क्योंकि ऑथराइज का कोई पैसा नहीं आएगा, इश्यूड का कोई पैसा नहीं, सब्सक्राइब का नहीं, कॉल्ड अप का नहीं, पैसा तो यह आएगा ना जो लोगों ने दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट में क्या आएगा, पेड अप कैपिटल आएगी। तो बैलेंस शीट में भी जब आप बैलेंस शीट बनाओगे शेड्यूल 3 वाली, तो शेड्यूल 3 में भी, बैलेंस शीट में भी शेयर कैपिटल में पेड अप कैपिटल ही आती है। लेकिन नोट्स टू द अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में जब हम शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे तो हमें ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है कि ऑथराइज कितनी है, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप कितनी है, और लास्ट में जो पेड अप कैपिटल है उसी से मेरा क्या होगा, बैंक अकाउंट अफेक्टेड रहेगा।
ठीक है।